मेरे पास रखी हुई थी स्किटल्स, तो मतलब मैंने ना एक कच्चा मैंगो बाइट से दालगोना कैंडी बनाई थी, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे किस किस चीज़ से दालगोना कैंडी ट्राई करनी चाहिए, तो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं। फिर यार थोड़ा सा दिमाग चलने लगता है ना यार, कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे मतलब किसी ने नहीं किया हो, कुछ अच्छा सा यूनिक से करते हैं ऐसा कुछ। तो मेरे पास स्किटल्स रखी थी, मैंने कहा यार स्किटल्स बना के देखते हैं कैसी बनती है, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं बनती कि नहीं बनती। तो मैं स्किटल्स को मैंने पैन में डाल दिया और मैं इनको मेल्ट कर रही हूँ। मेल्ट होने में यार इनको बड़ा टाइम लगा था, मतलब कैंडीज बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है पर ये तो मेल्ट नहीं हो रही थी, बहुत टाइम लगा इनको मेल्ट करने में। कभी तेज़ करनी पड़ी गैस, कभी कम करनी पड़ी, कभी तेज करनी पड़ी, तो ऐसे ऐसे करके इनको मेल्ट कर दिया मैंने। फाइनली मेल्ट हो गई थी, और ना ये अलग अलग कलर की थी ना, तो मेल्ट होके कुछ डार्क शेड हो गया था, तो वो शायद मैंने गलती करी। मुझे ऐसा करना चाहिए था कि सेम कलर की लेनी चाहिए थी, वो आइडिया मेरे को पहले नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सही है ना। तो ये सारी अच्छे से मेल्ट हो गई थी, कम गैस मतलब ज़्यादा देर के लिए मैंने हाई फ्लेम नहीं रखा, क्योंकि ना थोड़ा ऐसा लगता है कि जल तो नहीं रही है, मतलब थोड़ा सा मेरे को ऐसे ही लगा है ना। बीच बीच मैंने गैस पे से हटा भी दिया, मैंने कहा कि जल नहीं जाए, थोड़ा सा टेस्ट ना ख़राब नहीं हो जाए इनका। फिर ये अच्छे से फिर जब मेल्ट हो गई ना, तो चॉकलेटी कलर की हो गई थी है ना। फिर उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी मेल्ट होने के बाद, और फिर गैस बंद करने के बाद मैंने इसमें सोडा डाला थोड़ा सा, और फिर सोडा डालने के बाद मैंने इसको बटर पेपर पे डाल दिया। बटर पेपर ना मैंने इसको ग्रीस कर लिया था बटर पेपर को, क्योंकि पता नहीं यार सेफ साइड की कहीं कुछ निकले ही नहीं, तो मैंने कहा ग्रीस कर लो तो ये ठीक रहता है ना। फिर मैं इसमें वो नहीं बना रही हूँ कुकी से, कुकी कटर से शेप नहीं बना रही हूँ, मैंने इसमें वो जो स्टिक होती है ना वो लगा दी, मैंने कहा कैंडी शेप में बनाते हैं, मतलब कैंडी टाइप से बनाते हैं, ठीक है। फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए सेट होने के रख दिया, सेट तो हो गई है, पर यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बटर पेपर ना चिपका रह जाता है, निकलता ही नहीं है। मैं क्या गलती करती हूँ मुझे कमेंट करके बताओ यार, मेरे को समझ भी नहीं आता। मेरे को बड़ा मन है यार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैंडी दालगोना कैंडी ट्राई करने का, पर ये निकलती नहीं है, और है ना बटर पेपर निकलता ही नहीं, चिपका रह जाता है। और अगर इसके टेस्ट की बात करें ना, टेस्ट यार बहुत कड़वा था, मैं ट्राई करना